हेलो फ्रेंड्स, ऑन इकोनॉमिक्स फरीदी। आज अपन देखेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या होती है। फ्रेंड, इस वीडियो के एंड होते ही अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपकी जो इंक्वायरीज आ रही है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, बीएसटी की वीडियोज मैं कुछ टाइम में स्टार्ट करने वाली हूँ। और एक और बात, कि अपनी 11th का इको का कोर्स ऑलरेडी कवर हो चुका है, जो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या नोन है तो प्लीज शेयर विद दैम। राइट, अब देखते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है क्या है। द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई। इसे जस्ट पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था, ओवरऑल बैलेंस मतलब कि ओवरऑल बैलेंस क्या होता है, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशन, तो वो ओवरऑल बैलेंस आ गया था। अब वो ओवरऑल बैलेंस जो होता है ना, वो कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी रखती है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की केयर टेकर भी वही होती है, और फॉरेन एक्सचेंज को रूट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। अब देखिए, इसमें एक ओवरऑल बैलेंस, जो ओवरऑल बैलेंस जो अपन ने देखा था, वो पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉज इन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व का इंक्रीज होने का कॉज यही है कि ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव आ गया। और अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आ जाता है, कॉज डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। जब भी ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑफिशियल रिजर्व का डिक्रीज होने का रीजन यही है। एक और बात आती है अपने, कि अपना ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होता है, ये कई बार तो क्या आता है अपने इसमें आ जाता है कैपिटल अकाउंट में, और कई बार कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। बहुत माइनर डिफरेंस है, प्लीज थोड़ा देखिएगा। जब भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आता है, तब हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में होगा। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस व्हेन ऑफिशियल रिजर्व इज शोन इन कैपिटल अकाउंट। पर अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, तो ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आएगा। या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होंगे, या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट होंगे। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सरप्लस और डेफिशिएंट व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट शोन इन कैपिटल अकाउंट, मतलब कि कहीं अलग से सेपरेटली प्रेजेंट किया है। तो अपन देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर्स और ओमिशन जीरो के बराबर आएंगे, और साथ में नो ऑफिशियल रिजर्व मूवमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब सेंट्रल बैंक का कोई भी ऑफिशियल रिजर्व मूवमेंट नहीं होगा। ऑफिशियल रिजर्व मूवमेंट कैसे होगा? ऑफिशियल रिजर्व में ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? इसके अपोजिट होगा, सिंपल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जीरो के बराबर नहीं होगा, और एक तरीके से कहें तो कॉज ऑफिशियल मूवमेंट, ऑफिशियल मूवमेंट हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या होते हैं? देखिए, करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब होगा कोई पॉजिटिव नंबर, इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब जीरो होगा। पर सरप्लस कब होगा? जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो एक तरीके से ये किस पे लगे जाएगा? ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो गए। दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिएंट कब होगा? जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कोई नेगेटिव नंबर होगा। डिफिशिएंट है तो नेगेटिव नंबर होगा, और ये किसकी तरफ लेके जाएगा? डिक्रीज लेके जाएगा ऑफिशियल रिजर्व में। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, या ये कहें क्या इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट में बोले तो बीओपी डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बीओपी अकाउंट क्या होता है? अपन की इकोनॉमी का, अपनी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस बताता है कि क्या फाइनेंशियली अपनी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है। सेकेंड देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बीओपी क्या है? अपन को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में अपन को पता है NFIA, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड यूज आती है। थर्ड देखिए, एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जो कि एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये भी अपन को कौन बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ही बताता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखिए, मार्केट पोटेंशियल। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अपन को रिफ्लेक्ट करता है मार्केट का पोटेंशियल, मतलब मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है ग्रो करने की। और ये कैसे पता चलता है? ये बताता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैसे बताएगा? अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मार्केट का पोटेंशियल बहुत हाई है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी में कम हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट का पोटेंशियल काफी कम है। फिफ्थ देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये बीओपी अपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट कराते हैं। कैसे? देखिए, अगर अपनी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज, या ये कहें फॉरेन करेंसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी ज्यादा आ रही है, तो आरबीआई को क्या करना होता है? मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना होता है। पर अगर अपनी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी, या ये कहें फॉरेन एक्सचेंज कम आ रही है, तो गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।